दोस्तों, बेल पत्ता हमारे पेट के लिए बहुत ही गुणकारी है। अगर सुबह उठकर नित्य क्रिया के पश्चात बेल के पत्ते का सेवन किया जाए तो यह हमारे शरीर में गैस की समस्या, नपुंसकता, दमा रोग, एसिडिटी, कृमिनाशक और ज्वर आदि की समस्या नहीं होने देता। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए बेल पत्र के छोटे और बड़े बेल पत्र फल का चूर्ण बनाकर भी उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए हमें एक या दो बेल पत्ते का सेवन जरूर करना चाहिए, परंतु इसके खाने के बाद अपने दांतों को तुरंत साफ करना चाहिए, क्योंकि इससे दांत काले पड़ जाते हैं। बुखार या ज्वर होने पर बेल के पत्तों को काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। बेल के पेड़ का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। बेल के पत्ते, छाल, जड़ और फल ये बहुत ही गुणकारी हैं। बेल फल का उपयोग आयुर्वेद की दवाइयों में कच्चे फल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और आधे पके हुए फल से मुरब्बा बनाया जाता है। पके हुए फल से शरबत और जूस बनाया जाता है और बेल के जूस को हेल्दी ड्रिंक के रूप में लिया जाता है। तो आइए जानते हैं बेल पत्र के फायदों के बारे में। शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए पत्ते और बेल से बनने वाला जूस दोनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और बेल का जूस पीने से शरीर में खून बनता है। बेल पत्र की तासीर ठंडी होने के कारण बेल के फल से बनने वाले जूस का उपयोग गर्मियों में लू से लगने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। बेल का जूस पीने से गर्मियों में ठंडक मिलती है और यह हमें गर्मी से भी राहत दिलाता है। बेल के जूस से शरबत की तासीर ठंडी होती है, जो कि गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके शरीर पर चोट लग जाए तो बेल के फल की पत्तियों का पेस्ट बनाकर इसे शरीर के जिस हिस्से पर चोट लगी हो, इस पेस्ट को चोट वाली जगह पर लगाइए। ऐसा करने से चोट में होने वाला दर्द और चोट की सूजन में आराम मिलेगा और घाव भी जल्दी भर जाएगा। बेल पत्र का फल का जूस हमारे शरीर को ठंडक देता है और गर्मियों के अंदर शरीर में होने वाली पानी की कमी को भी पूरा करता है, जिससे गर्मियों में लू से बचा जा सकता है और गर्मी से निजात मिलती है। यह हमारी त्वचा को भी गर्मियों से बचा कर रखता है। बेल में बनने वाला जूस पीने से कब्ज की समस्या से राहत मिल जाती है। बेल के फल का रोज़ शरबत और जूस पीने से कब्ज में राहत मिलती है। बेल फल में टैनिन और पेक्टिन नामक दो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो डायरिया और पेचिश के इलाज में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर आपको भूख कम लगती हो या आपका जी मिचलाता हो तो आप बेल पत्र के गूदे को पानी में मिलाकर उसमें चुटकी भर लौंग, काली मिर्च का चूर्ण और मिश्री मिलाकर कुछ दिन आप लेना शुरू कर दें, इससे भूख बढ़ जाएगी। अगर आपके मुंह में छाले और मसूड़ों की समस्या है तो आपको बेल पत्र फल के गूदे को पानी में उबालकर कुछ दिन तक कूला करें, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे और मसूड़ों भी स्वस्थ हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका जूस बना सकते हैं। इसे जूस को पीने से भी दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रहती हैं और दोनों में मजबूती आती है। बेल पत्र फल में मौजूद टैनिन कालरा नामक रोग के उपचार में उपयोग ला जाता है। साथ ही बेल पत्र के कच्चे गूदे का उपयोग सफ़ेद दाग वाली बीमारी को ठीक करने में किया जाता है। बेल पत्र जो फल है और पत्ते का चूर्ण बनाकर इसका उपयोग करने से कैंसर रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बेल पत्र फल के पेड़ से निकलने वाला तेल अस्थमा और सांस से संबंधित रोगों में बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। बेल का जूस पेचिश के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है। हमारे शरीर में खाना अच्छे से ना पचने के कारण डायरिया जैसी समस्या पैदा हो जाती है। पेचिश बीमारी को ठीक करने के लिए दिन में दो बार बेल के जूस का सेवन जरूर करें। कई बार लोग बार बार पेशाब जाने की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं, तो उन लोगों को बेल के जूस का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में ठंडक बनी रहेगी और पेशाब की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। गर्मी में बहुत ही लाभकारी है। 10 ग्राम बेल पत्र गिरी को लेकर 5 ग्राम सौंठ को अच्छी तरह पीस लें और 400 मिलीलीटर पानी में घोलकर काढ़ा बना लें और इसका सुबह शाम सेवन करें। बेल का फल कान के दर्द से राहत दिलाता है। बेल के फल से बनने वाला जूस कान के दर्द को, कान बहना और कान से सुनाई ना देना, इन समस्याओं को दूर करता है। अगर आप कान के दर्द से पीड़ित हैं और आप बेल के फल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बेल के फल में 100 ग्राम गुदे में 150 कैलोरी पाई जाती है और बेल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखने में बहुत मदद करता है। बेल का जूस पीने से आप रक्त को साफ कर सकते हैं। इसके लिए मध्यम आकार का बेल लें और थोड़ी सी चीनी और दूध को और पानी मिलाइए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके जूस बनाइए। इस जूस का रोज़ सेवन करने से हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमारा खून साफ होगा। या फिर बेल के रस की थोड़ी सी मात्रा में गुनगुना पानी मिलाएं
और उसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद मिलाकर इसका सेवन करें, इससे भी आपका रक्त साफ होगा, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। आइए अब जानते हैं बेल पत्र का जूस कैसे बनाएं। दोस्तों, बेल का जूस बनाने के लिए सबसे पहले एक बेल लें और उस बेल को फोड़ें, क्योंकि बेल बाहर से कठोर होता है। और फोड़ने के बाद जेल के अंदर का गूदा निकाल लें और उसके बीज को अलग कर दें। बेल के गूदे से जिस तरह हम चटनी बनाते हैं उस तरह उसे पीस लें, फिर उसको एक छलनी की सहायता से छान लें। अब छाने हुए बेल में दूध, पानी और थोड़ी सी मात्रा में चीनी डालें और उसे मिक्सर में डालकर मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपका बेल का जूस तैयार है। दोस्तों, बेल का कच्चा फल आयुर्वेद की दवाइयों में उपयोग किया जाता है और आधे पके हुए फल का उपयोग मुरब्बा बनाने में किया जाता है। बेल के कच्चे फल से चटनी बनाई जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है। बेल के फल से आइसक्रीम भी बनती है जो खाने में बहुत टेस्टी होती है, और बेल का उपयोग शरबत और जूस बनाने में किया जाता है। तो अब जानते हैं दोस्तों, बेल खाने के थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। बेल का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे दस्त लगना या पेट में दर्द होना। इसलिए सभी फल का सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को बेल का जूस पीने से एलर्जी होती है, वह बेल के जूस का सेवन ना करें, क्योंकि यह उनके लिए एलर्जी की संभावना को बढ़ा सकता है। बेल से बनने वाले शरबत और जूस में ज़्यादा मात्रा में शुगर होने के कारण इससे डायबिटीज़ के लोगों को समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए बेल फल डायबिटीज़ के रोगियों के लिए हानिकारक है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी बेल का जूस से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को गर्मियों में बेल का रस नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे बेल के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।